ब्लू बैकग्राउंड को वाइट कैसे करते हैं? फोटोशॉप के अंदर पासपोर्ट साइज फ़ोटो का बैकग्राउंड अगर ब्लू कलर है तो उसे हम लोग वाइट कैसे करेंगे? एकदम सिंपल और इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है मैंने वाइट कर दिया है। देखिए एक बार और देखिए, ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊँगा और ये मैं आपको बताऊँगा फ़ोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो आपके पास फ़ोटोशॉप का जो भी वर्सन है, चाहे वो लेटेस्ट हो चाहे पुराना हो, किसी में भी आप कर सकते हैं जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां फाइल में जाते हैं हम लोग, इसको रिवर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस फ़ोटो जो है आपको यहां पे दिख रहा है, देख सकते हैं। अगर इसका साइज़ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, देखिए आप, ये देखिए चौड़ाई है 30 mm, हाइट 40 mm, जो स्टैंडर्ड साइज पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर क्रॉप करके पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले रखा है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे ब्लू बैकग्राउंड को वाइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड का लेयर है लॉक है, तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैं यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ। अब करना क्या है, सिंपली ये जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है वन कलर है, तो इसको सिलेक्ट करना बहुत आसान है। तो यहाँ से मैजिक वन टूल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पहला वाला जो टूल है न्यू सिलेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। टॉलरेंस मैंने 60 रखा है, आप चाहें तो 100 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस ब्लू बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। अब ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, लेयर पे जाना है और इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से देख सकते हैं लेयर वाया कॉपी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, इसका एक कॉपी बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ तो देखिए ये जो लेयर बना है, देख सकते हैं, सिर्फ इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है और फ़ोटो यहाँ से कट चुका है ऊपर वाला लेयर पर। अब करना क्या है, ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे ये जो मेनू बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इमेज मेनू में जाना है, एडजस्टमेंट में आना है, इसके सब मेनू में जाइएगा और यहाँ पे देखिए ह्यू एंड सैचुरेशन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ह्यू एंड सैचुरेशन का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अभी देखिए कलर पैलेट, ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पर देखिए, फोरग्राउंड में आप देख सकते हो वाइट कलर है, यहाँ पर ब्लैक है। अब करना क्या है, ह्यू एंड सैचुरेशन जैसे आप यहाँ पर लेकर आते हैं और फ़ोटो के ऊपर जैसे ही माउस पॉइंटर ले जाइएगा, देखिए ब्लू आपको एक छोटा सा आई ड्रॉपर दिखाई देगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ब्लू कलर आ चुका है। अब यह ह्यू एंड सैचुरेशन आपको दिखाई दे रहा है, तीन देखिए यहाँ पर ह्यू है, सैचुरेशन है और लाइटनेस है। ये जो सैचुरेशन है इसे माइनस पर ला दीजिए, एकदम -100 कर दिया है मैंने। ये जो लाइटनेस है, ये जो हैंडल आपको दिखाई दे रहा है ज़ीरो है, इसको इधर राइट हैंड साइड में इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। देख सकते हैं 100 यहाँ +100 हो चुका है, सैचुरेशन -100 हो चुका है। ऑटोमेटिकली देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर हो चुका है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो था उसका देखिए बैकग्राउंड कलर जो है वाइट हो चुका है। अब इसको आप चाहे तो फाइल में जाके यहाँ से अगर मैं सेव एज करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं डेस्कटॉप इसको सिलेक्ट कर दिया, अब यहाँ से JPG फॉर्मेट इसको मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पर कॉपी है, अब इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद JPG का ऑप्शन आता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है। अब ये जो फ़ोटोशॉप खुला हुआ है इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, डेस्कटॉप पे चल के देख लेते हैं कि फ़ोटो मेरा जो है ये हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं 1 मिनट कॉपी यहाँ पे दिख रहा है, सफ़ेद कलर का, देखिए राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ओपन विथ क्विक व्यूअर प्रीव्यू, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो वाइट बैकग्राउंड हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं सुंदर से, देखिए इसका वाइट बैकग्राउंड हो चुका है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का, देख सकते हैं। और ये जो फ़ोटो था यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो था देखिए, ये देखिए वाइट बैकग्राउंड हो गया है। तो इस तरह से हम लोग जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसका अगर ब्लू कलर का बैकग्राउंड है तो हम लोग उसको वाइट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रोसेस है, तो मैंने आपको सिंपल और ईजीएस्ट तरीका बताया है कि कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगर कुछ भी और जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।